बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद और यकीन है कि आप लोग खैर वाफिया से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी लादाद खुशियां दे और आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे। फ्रेंड्स, आज सभी सभी किचन में बनने जा रही है बहुत ही यूनिक रेसिपी। जी हाँ, आज बनेंगी खजूरें। फ्रेंड, आपने दरख्त पे तो लगी हुई खजूरें बहुत खाई होंगी, लेकिन आज हम बनाएंगे जो बनाना बहुत ईजी, खाने में इतने मज़े की। फ्रेंड, आप इन्हें सफ़र पे जाएं, लेकर जा सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, शाम की चाय के सब में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। छोटी मोटी भूख में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। फ्रेंड, इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ, खाना बनाना एक महारत है, उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाए ये उससे भी बड़ी महारत है। जिस टिप्स और ट्रिक्स को मैं आपको बताती हूँ सभी सभी किचन में, आप उसे ज़रूर फॉलो किया करें और खाने वाला आपकी तारीफ के ना बिना नहीं रहेगा। चले आए शुरू करते हैं। 3 अंडे ले लिए हैं जो कि हैं रूम टेम्परेचर पे। फ्रेंड, उसके बाद दूध ले लिया है जो कि 25 ml के कप के जितना है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। कुकिंग ऑयल है फ्रेंड, ये भी 125 ml का है, लेकिन फ्रेंड आपने जो दूध है ना और ये कुकिंग ऑयल दोनों बराबर लेने हैं। कुकिंग ऑयल आपने ना खुशबू वाला नहीं लेना, जो बिल्कुल बगैर इस्तेमाल किए होता है ना आपने वो लेना है। 260 ml में कप लिया है चीनी का, जो मैंने खुद पीसी है, पाउडर शुगर नहीं है। और इलायचियाँ हैं 1/2 teaspoon का लें, इसके मैंने निकाल के और दरदरा सा कूट लिया है। चले आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर बाउल में ना मैं ना अंडे डालूंगी। जी फ्रेंड, आपने ना अंडों और चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पहले आपने ना स्लो रखना है ताकि वो चीनी जो है ना वो उड़े ना, फिर आपने ना चीज बढ़ा देनी है और इन्हें क्रीम फॉर्म में ले आना है। कर करके देखिए देखें, अभी बहुत अच्छे से हो गया, चीनी भी मेल्ट हो गया और अंडे भी बहुत अच्छे से हो गया। जी फ्रेंड, अब बिना बाकी चीज़ें डलेंगी इसमें, इसमें ना 2 चम्मच के जितना ईस्ट डलेगा, ये 2 चम्मच, ये 2 चम्मच गया। उसके बाद इसमें ना जो मैंने आपको बताया ना कुकिंग ऑयल हो जाएगा। और फ्रेंड, मैं उसके बाद ही जितना कुकिंग ऑयल डला है ना उतने इसमें ना जाएगा ये दूध। और फ्रेंड, उसमें आ जाएगी जो सब्ज़ इलायचियाँ मैंने आपको बताई हैं। और फ्रेंड, उसके बाद 1 चम्मच भर के ना जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। और फ्रेंड, टेस्ट को बढ़ाने के लिए ना बिल्कुल थोड़ा सा ना आपने ना इसमें डालना है नमक। आप इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। जी फ्रेंड, अभी ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अभी ना 10 मिनट तक ढक के रखना है। जी फ्रेंड, मैंने ना 4 कप के जितना आटा लिया है, ये वही आटा है जिसमें हम हर रोज़ रोटी खाते हैं ना, चक्की का आटा, फाइन आटा नहीं, जो चक्की का आटा होता है ना वो वाला। और फ्रेंड, 1 कप के जितना मैंने ना सूजी ली है, सूजी डालने से ना इसमें ना जो खजूरों की ना क्रिस्पीपन आ जाता है। अगर आप आटे की जगह मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आप फिर सूजी ना डालें। और फ्रेंड, आप आटे की जगह मैदा ले सकती हैं, लेकिन मैं आटे से बनाऊंगी। और फ्रेंड, उसके बाद इस आटे को ना मैं इस छाननी से और सूजी को ना 2 से 3 दफ़ा छान लूँगी। जी फ्रेंड, अब ना इसमें मैं सूजी और आटा डाल के ना डो बना लूँगी, एक दफ़ा ही नहीं डालूँगी। बस दफ़ा फ्रेंड ऐसा होता है ना कि अंडों का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है,
अभी मैंने 4 कप आटा और 1 कप जैसे सूजी ली है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये सारा डल जाएगा और भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बाज़ दफ़ा थोड़ा बच जाएगा ना, क्योंकि कभी कहीं पे अंडों का साइज़ बड़ा होता है छोटा होता है, तो इसलिए अब मैं ना आटा और सूजी में मिक्स करके ना टाइट डो बना लूँगी। ये फ्रेंड ये देखिए छोटे छोटे बबल आ रहे हैं ना, अभी ईस्ट और बेकिंग पाउडर ने अपना काम दिखा दिया है। फ्रेंड वो जो लिक्विड था ना उसी में मैंने आटा डाला है, सूजी डाली है, और ये देखिए इस तरह ना ये टाइट सी डो बन गई है। ये देखिए ये दबाने से अब ना इसे मैं 10 मिनट तक रेस्ट दूंगी। बस उसी में ना आपने उतना ही डालना है, मजीद नहीं पानी या कुछ भी और चीज़ नहीं डालनी, अंडे से दूध से कुकिंग ऑयल से ये अच्छे से डो बन जाएगी। जी फ्रेंड डो हमारी अच्छे से सेट हो गया, और आप ना इतने इतने ना सब डो के पेड़े बनाने हैं जिस तरह ये है। जी फ्रेंड अभी मैंने पेड़े बना लिए सारे डो के, अभी ना इसे मजीद 10 मिनट तक रेस्ट देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसमें ईस्ट और बेकिंग पाउडर है ना, तो उस वजह से ना ये और मजीद फूलेंगे। फ्रेंड अभी 10 मिनट के जितना हो गया, अभी आप इस तरह को चमचा ले लें और ये इधर रख के ना ऐसे प्रेस कर दें, ठीक है, और ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक हो गया, मैं इस तरह ना 2-3 आपको डिज़ाइन बना के दिखा दूँ। ये देखें फ्रेंड इस तरह ना इस चम्मच के साथ आएगा। फ्रेंड ये कद्दूकश है ना, इसकी तरफ नहीं ये उल्टी साइड में ना इस तरह आपने ना दबा के ना करना है, और फिर ये डिज़ाइन बन जाएगा। जी फ्रेंड ये कद्दूकश वाला बन जाएगा। इस तरह प्रेस करके ना आपने ना करना ये है, ये देखें ये किसी भी चीज़ का ढक्कन ले के ना इस तरह, जी फ्रेंड ये ढक्कन से इस तरह बन जाएगा। जी फ्रेंड ये देखें घर में इस तरह चम्मच भी होते हैं ना, आपने इधर रख के ये इस तरह ज़ोर से प्रेस करना, और ये देखें फ्रेंड चम्मच से फिर इस तरह डिज़ाइन आएगा। फ्रेंड मैंने आपको ना बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, जो भी आपके किचन में चीज़ मौजूद है ना आप उससे बना सकते हैं जो आपको ईजी लगे। फ्रेंड कढ़ाई हमने रख दी है कुकिंग ऑयल डाल के, अभी ना इसमें एक एक करके ना डालती हूँ खजूरें। जी फ्रेंड खजूरें फ्राई हो रही हैं, आपने ना जो आंच है ना वो एक दफ़ा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए ना तो आपने मीडियम रख ली है, ठीक है। जी फ्रेंड खजूरें फ्राई हो गई हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी बनती हैं और खाने में इतने मज़े की होती हैं। फ्रेंड्स अगर आप सभी सभी चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, मुझे आपके कमेंट का बेचैनी से इंतज़ार होता है। फ्रेंड्स खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।